हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गॉसिप बॉय। तो आज के इस वीडियो में आपको यूट्यूब कम्युनिटी एंड अदर सोशल मीडिया से रिलेटेड न्यूज़ कवर करने वाला हूं। तो चलिए फर्स्ट न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ आ रही है कैरी मिनाटी की तरफ से। तो जब कैरी मिनाटी अपनी लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, तब स्ट्रीम करते वक्त कुछ सर्वर प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसी पर उसने ये कहा। ओके गाइस, तो यूट्यूब के क्या कहते हैं सर्वर्स में कुछ इशू आ रहे हैं, जिस वजह से स्ट्रीम है वो रुक गई है, कुछ काम नहीं कर रहा है लिटरली। तो आई एम रियली सॉरी, जैसे ये फिक्स होता है मैं तुम लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है हर्ष बेनीवाल की तरफ से। तो हर्ष बेनीवाल ने अपने ट्विटर पे एक ट्वीट किया, चाइना क्लास के वो बच्चे हैं जो अकेले शोर मचाते हैं और उसकी वजह से पूरी क्लास को हाथ खड़े करने पड़ते हैं। तो उसी के रिप्लाई में किसी ने ये कहा, और भाई तू वो टीचर है जो लोगों के सामने डीजे बजाता है सुधारने के लिए। तो उसी के रिप्लाई में हर्ष बेनीवाल ने ये कहा, सही बात। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है आशीष चंचलानी की तरफ से। तो आशीष चंचलानी ने अपने ट्विटर पर एक ट्वीट किया, बंद करो घर से निकलना सालो, वरना ये हाल होगा, #coronavirus, #21days lockdown, #जनता कर्फ्यू। तो उसी के नीचे उसने एक वीडियो पोस्ट किया। तो इस वीडियो के थ्रू आशीष चंचलानी बस ये कहना चाहते हैं कि लॉकडाउन का पालन करें और घर में रहे और सेफ रहे। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है एमएमए बंटाई की तरफ से। तो जैसा कि आपको पता है कि एमएमए बंटाई ने अपना एक सॉन्ग अपलोड किया था, जो कि विद इन 1 मंथ 100 मिलियन हो चुकी है, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मैनी कंग्रेचुलेशन टू एमएमए बंटाई। तो उसी में उसने एक वीडियो अपलोड किया है, पोस्ट किया है अपने इंस्टा पे। तो आप लोग तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है रियल हिट के यूट्यूब चैनल दीपक चौहान की तरफ से। तो किसी बंदे ने उससे क्वेश्चन किया कि भाई मेरा भी जवाब दिया करो, भाई आप लोग बॉलीवुड में कब आओगे, मैं आपको बड़े पर्दे पे देखना चाहता हूँ, प्लीज़ रिप्लाई। तो उसी का रिप्लाई करते हुए उसने एक वीडियो पोस्ट किया। उत्कर्ष भाई, ये हर एक यूट्यूबर का सपना है, जो आई गेस एक्टिंग से प्यार करता है वो अपने आप को बॉलीवुड में देखना चाहेगा या देखना चाहता है। तो इंशाल्लाह भगवान की दुआ से, गुरु की कृपा से एक दिन ज़रूर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।